माड में भसरू बैठे दत्तवाची यार हो मड में भसरू ऐले दत्तवाची यार हो मडोआ में भसरू ऐले गावत वेल जैसन जसन रहली वैसन पियवा मोर बाड़े सावर नगोर बाडे हो जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर बाडे सावर नगो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ में है सोशल मीडिया पर हम आपको एक ऐसे चेहरे से मुलाकात करवा रहे हैं जो लगातार ट्रेंड कर रहा है हमारे साथ हैं शिखा सिंह जी और रेनू जी जो लगातार इनके जो गीत हैं वो वायरल हो रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद भैया जितने भी दर्शक मुझे इस जय भारत न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं मैं सभी दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ आ, आपका जो है मड़वा वाला गीत बहुत फेमस है मैं उसी गीत से शुरुआत करूंगा फिर आगे की बातचीत करते हैं बिल्कुल मैं सुनाती हूँ समी कम जोर बाटे हिलत नहीं मड़वा सगुन चाहिए न काके भैंसी के पड़ कम जोर बाटे समदी जोर बाटे ही, ही मणवा सगुन चाहिए ने का भैसी के पड़ सर कहें कि जो नए एज नई जनरेशन है ये सब जो गीत हैं विलुप्त होता जा रहा है कहीं ना कहीं एक तरह से आप लोग जो है शादी विवाह का गीत फिर से जब बच्चे सुनेंगे तो फिर से गाएंगे क्योंकि शादी विवाह का जो गीत है जो नए जनरेशन के बच्चे हैं शादी विवाह कहीं होता है विवाह का ट्रेंड भी नया हो गया इसलिए लोग कम कम सुनते हैं आज ये विलुप्त के कगार पे है जैसे कहें डायनासोर विलुप्त हो गया ऐसे ही विलुप्त हो जाए समय के साथ देखिए भैया मैं मतलब भरपूर कोशिश है की हम लोग यही चाहते हैं और उसमें आप सभी लोगों का जितनी भी जनता मुझे ये जय भारत न्यूज के माध्यम से देख रही है मैं सभी जनता का सहयोग चाहती हूँ इस अभियान को आगे बढ़ाने में हम सभी लोगों की मदद करें एक गीत हो जाए फिर बातचीत करते हैं जी बिल्कुल माड़ो हिलाई ही सुनाते हैं <laughs> क्या बात है आज जिसकी जिसकी शादी पड़ी होगी तो उसके लोग बढ़िया मन लगा के गाइएगा मंडप में या फिर आनंद लीजिएगा इस गीत को चला के इस वीडियो को सुनिएगा ਮਾਣੋ ਕੇ ਹਿਲਾਈ ਸਮਧੀ ਮੰਗੇ ਸਮਧੀਨੀਆ मैं पहली बार तब देखा था मैं बन्ना दुबे के स्टूडियो में गया था आपको भी वहाँ पर एक चैनल सब्सक्राइब करने सीनरी लगी हुई है जी आ, है। जी भैया बंद्रा दुबे के स्टूडियो की ओपनिंग हुई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था बट किसी रीजन की वजह से मैं नहीं पहुंच पाई वहां पे तो वो आ, कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसा किसी को गिफ्ट करो कि वो सामने नजरों के सामने हर वक्त रहे और जितने भी पब्लिक आए जितनी भी जनता आए उस स्टूडियो में सबकी नज़रें उस या सिनेमा तो पड़े मैं चाहूंगा कि एक दो चुटकुला गीत हो जाए दशकों के लिए ओके okay, चुटकुला गीत है सखियां सखियां लोगों की जो यूट्यूब की जर्नी है कहाँ से आइडिया आया कि नहीं मुझे भी यूट्यूब पर आना है देखिए भैया, इंस्पायर तो अगर मैं बोलूँ कि मैं भी मतलब कुछ ऐसे मेरे भी आ, होते हैं ना कि सबके फेवरेट लोग होते हैं क्रिएटर होते हैं तो मेरे भी कुछ ऐसे हैं कि जिनको भी मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद मैं भी इस चीज़ को कर सकती हूँ तो आ, मैंने भी मतलब उस चीज को आ, अपने आ, कला को पब्लिक के बीच में रखा करेंगे, नाम करेंगे। आ, जी बिल्कुल आ, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए नेक्स्ट <laughs> 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 <Next! laughs> <laughs> 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 उसके लिए नेक्स्ट बीट आप जब भी मिलेंगे मैं बिल्कुल नाम लेना गीत की शुरुआत हो जाए फिर आगे आ, बिल्कुल कैसा गीत आप मुझे शादी स... का आ... जो आपका पापुलर हो दो चार गीत उसी को रखिए भैया चलिए मैं एक शादी विवाह का टाइम चल रहा है मैं एक भसुर जी के लिए मंडप गारी गीत सुनाती हूँ में भसरु बैठे दतवाचियार हो माडाऊ आंबे भसरू ऐले दत्तवची हो माडाऊ आमे भसरू ऐले गाव दातवाचियार हो मड़ऊआ में भसरू ऐले बन के नबाब हो मड़ऊआ में भसरू ऐले बन के नबाब हो मड़ऊआ में भसरू ऐले अच्छा एक बात बताइए जब आप चैनल को स्टार्ट कर रही थी तो उसमें जो घर वालों का क्या रिएक्शन था सासू अम्मा होंगी बतेदेव होंगे बच्चे होंगे तो इन सब का क्या रिएक्शन था कि मम्मी यूट्यूब पे आ रही हैं जी आ, जी देखिए अगर मैं फैमिली की बात करूँ सासू माँ का तो मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया बहुत सपोर्ट किया और मैं हर किसी आ, लड़की को यही बोलूंगी माता रानी से दुआ करूंगी कि मेरी सास जैसे हर किसी को सास मिले क्योंकि मेरी सास ने एक माँ से ज़्यादा बढ़ कर के मेरा सपोर्ट किया मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ अपनी सासू माँ को और रही बात हसबैंड की तो हस्बैंड ने मेरे बिल्कुल भी उनको सोशल मीडिया के बारे में बहुत भी इंटरेस्ट नहीं था लेकिन हाँ उन्होंने मेरे लिए प्लस पॉइंट यही था कि वो मेरे साथ खड़े थे सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था हस्बैंड मेरे प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं फार्मा सेक्टर में है जी तो मतलब कि ये था कि आपने जब कहा तो उन्होंने मना नहीं किया जी नहीं बिल्कुल मतलब नहीं तभी सी, सीधी सी बात हुई घर में आपकी ही चलती है देखिए घर में चलाने के लिए भी आपको उस काबिल बढ़ना पड़ता है बहुत त्याग करना पड़ता है किसी भी लड़की को अगर वो चाहती है कुछ का उसके ससुराल में उसकी चले तो उसके लिए भी बहुत त्याग करना पड़ता है ये, ये माना जाए जैसे हर बार कहा जाता है बीबी की ही चलती तो हाँ भी आपकी ही चली है। आ, जी नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं आ, कहना चाहूँगी लेकिन हाँ मैंने जो भी मेरी फैमिली आ, मेरा सपोर्ट की कुछ ऐसी चीज़ें तो मैंने किया नहीं कि हाँ जो फैमिली सपोर्ट ना करे क्योंकि वर्क कर रहे हैं और मैं भी अपनी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए वर्क कर रही हूँ पतिदेव के लिए कोई गीत सुनाना चाहेंगे गरिए सुना दीजिए साल का, बाद सुनेंगे पतिदेव के लिए अपने पति के लिए क्या सुनाना चाहेंगी जी बिल्कुल मैं पति के लिए एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी कि जैसन सोचले रहली वैसन पियावा मोर बाड़े सावर न गोर बाड़े हो जैसन सोचले रहली वैसन पियावा मोर जैसा सोची थी आप वैसा मिल गए आप पहले से मन में बिठाई थे लड़कियों का सपना होता है तो वैसे ही शायद भी सपना था सभी लोगों का कुछ गाने जो होते हैं फेवरेट होते हैं जो जनता है जो सदाबहार गीत होते हैं हमेशा सुनते है। मैं चाहूँगा एक दो गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए फिर हमेंट करते हैं हमार जाननी भी सब पतझड़ हुई है हमारे जाननी भी आ सब पतझड़ हुई है हमारे ऐसे हैं से पूछे माता को सी ले हो चलते चलते मैं चाहूँगा कि आपके कई चैनल हैं तो आपसे जुड़े लोग बता दीजिए हमारे दर्शकों को, को। देखिए भैया मेरे चैनल का नाम है जितने भी दर्शक मुझे इस भारत न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी चैनल का नाम है सिखा आशीष की दुनिया जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरे एक मैंने एक न्यू अभी चैनल क्रिएट किया है जिस चैनल का नाम है इंस्पायर भी सिखा तो मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सभी लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे इंस्पायर भी सीखा वाले चैनल पर भी दीजिए मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी आप सभी लोग मेरी लाइफ से जुड़ी हुई मेरी जर्नी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी चीजों को आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी लोगों को वहाँ पे देखने को मिल, मिलेगा रेणु जी मैं चाहूंगा अपना भी पता बता दीजिए लोग ऑनलाइन मिलते रहेंगे जी भैया मैं रेणु पांडे हूँ मेरे चैनल का नाम है रेणु पांडे अट्ठासी इक्यानवे मैं लखनऊ से हूँ क्या बात है तो अभी हम आपको रेनू जी से मिला रहे थे शिखा जी से मिला रहे थे आप सभी इनके चैनल पर जाइएगा वीडियो को देखिएगा फिलहाल यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम